हाय, वेलकम। कंप्यूटर साइंस की मेरी सीरीज़ में आजकल हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, और आज के लेक्चर का टॉपिक स्पेसिफिकली है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है, और इसे 1960 में एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टोनी हुआरे ने डेवलप करा था। और क्विक सॉर्ट बहुत ही फास्ट एल्गोरिथम है, और मर्ज सॉर्ट की तरह ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। मतलब कि आप बड़ी प्रॉब्लम लेते हो, उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, उन छोटे छोटे पीसेस को आप कॉन्कर करते हो, यानी कि आप उन छोटे छोटे पीसेस को सॉल्व करते हो रिकर्शन यूज़ करते हुए, और फिर लास्ट पार्ट में आप कंबाइन कर देते हो जो रिज़ल्ट आते हैं उन उस रिकर्शन के। सिंपल टर्म्स में देखें तो आप एक सिंपल एग्जांपल लो। मान लो आपके पास एक लिस्ट है 2 5 1 3, ठीक है, और आपको इसे सॉर्ट करना है। तो आप क्या करोगे कि लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट पिवट चुन लोगे। मर्ज सॉर्ट में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो डिवाइड स्टेप में होता है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट ले रहे हैं, उसे 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, लेकिन डिवाइड करने की स्ट्रेटजी ये है कि कोई भी एक एलिमेंट पिवट चुन लो। तीन मान लो आप, हम हमेशा लास्ट एलिमेंट चुनेंगे, तीन आपने मान लो पिवट चुन लिया, तीन को साइड में रख दो। उसके बाद एक एक एलिमेंट उठाओ और पिवट से कंपेयर करो। जो जो छोटे हों उन्हें लेफ्ट में डाल दो, जो जो बड़े हों उन्हें राइट में डाल दो। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ है, लेफ्ट में डाल दो। क्या 5 3 से छोटा है? नहीं है, राइट में डाल दो। क्या 1 3 से छोटा है? लेफ्ट में डाल दो। तो इससे ये होगा कि जब आप ये कंपैरिजन ख़त्म करोगे तो आपको जो लेफ्ट मिलेगा वो उसमें सारे पिवट से छोटे एलिमेंट होंगे, और जो राइट होगा उसमें सारे पिवट से बड़े एलिमेंट होंगे। उसके बाद आप, जब आपको ये लेफ्ट और राइट मिल जाएं, तो आप ऐसा करो कि रिकर्शन यूज़ करते हुए, ये है कंबाइन स्टेप, इस पर क्विक सॉर्ट फिर से कॉल कर दो। 2,1 पर क्विक सॉर्ट कॉल करोगे, सपोज़ कि आंसर सही आया, 1 2 आ जाएगा। 5 को जो है सॉर्ट करोगे, 5 ही आएगा। बीच में पिवट डाल दो, आंसर हो गया सही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे एलिमेंट जो 3 से छोटे थे वो सब सॉर्ट होके आ गए, और जो सारे 3 से बड़े थे वो सब सॉर्ट हो गए। अगर ये बड़े सब सॉर्ट हो गए, छोटे सब सॉर्ट हो गए, तो बीच में पिवट डाल दो, आंसर आ गया। ये है बेसिकली क्विक सॉर्ट का आइडिया, समझ लो। हिस्ट्री की बात करें क्विक सॉर्ट की, तो टोनी हुआरे को एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिला था मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से, 1960s की बात है ये। और उनको एक प्रोजेक्ट मिला था कि भाई उन्हें कुछ रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था, लेकिन उसके लिए उनके पास जो रशियन वर्ड्स थे उन्हें उन्हें सॉर्ट करना था, जिससे कि ट्रांसलेशन जो है फास्ट हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने दो एल्गोरिथम सोची थी। एक तो एन स्क्वायर टाइम लेती, अगर उनके पास एन लेंथ का सेंटेंस था तो, लेकिन वो बहुत टाइम लेता, और उसका एक एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट हम करके भी आए। जो दूसरा मेथड उन्होंने सोचा वो क्विक सॉर्ट था, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये हैं सर एंटोनी हुआरे, टोनी हुआरे के नाम से हम जानते हैं। उस समय वो जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, मरकरी ऑटो कोड, उसमें रिकर्शन नहीं हो पाता था। रिकर्शन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एबिलिटी होती है कि वो अपने ही फंक्शन को खुद कॉल करवाने दे। हमने जितने भी पहले एग्जांपल देखे थे, फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट देखा था, उसमें मर्ज सॉर्ट फंक्शन के ही अंदर मर्ज सॉर्ट कॉल कर पा रहे थे आप। पुरानी लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे मर्करी ऑटोकोड, उनमें ऐसा नहीं हो पाता था। इसकी वजह से ये एल्गोरिथम नहीं लिख पाए। 1961 में उन्होंने एक क्लास अटेंड करी एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एल्गोल 60, जिसमें कि ऐसा हो पाता, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकर्शन अलाउ करती थी। तो वो जो है उसकी मदद से उन्होंने क्विक सॉर्ट का पहला एल्गोरिथम लिखा और पेपर पब्लिश किया। तो आज हम, चलिए ये हमने बात करी हिस्ट्री की, अगला सेक्शन है पाइथन की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जो हमारा क्विक सॉर्ट फंक्शन होगा, और फंक्शंस की तरह एक लिस्ट लेगा, सपोज इनपुट 1 4 0 9 11 है, आउटपुट सॉर्ट होकर 0 1 4 9 11 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट जो है, जैसा कि मैंने देखा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, इसमें 3 पार्ट हैं, डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन। अगर आपको याद हो, मर्ज सॉर्ट में सबसे ज़्यादा ट्रिकी कंबाइन स्टेप होता था। क्विक सॉर्ट में इसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी है डिवाइड स्टेप, और उसी की हम सबसे पहले बात करेंगे, और उस फंक्शन का नाम है पार्टीशन फंक्शन। ये जो पार्टीशन फंक्शन है उसे समझते हैं थोड़ा इंट्यूटिवली। ये पार्टीशन फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि सपोज आपको एक लिस्ट दी हुई है 1 5 7 और मान लो 3, ठीक है। तो ये पार्टीशन फंक्शन एक लिस्ट लेता है,
ये आपका इनपुट होगा, पार्टीशन को जब फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये इनपुट दोगे। जब आप ये इनपुट दोगे तो ये फंक्शन एक पिवट चुनेगा, पिवट ये लास्ट एलिमेंट चुन लेगा, तो पिवट 3 होगा और उसे साइड में रख देगा, पिवट 3 साइड में रख देगा। उसके बाद ये एक एक करके एलिमेंट करेगा कंपेयर, एक देखेगा क्या एक 3 से छोटा है, हाँ है, तो एक लेफ्ट लिस्ट में जोड़ देगा, क्या 5 3 से छोटा है, नहीं, तो 5 को राइट लिस्ट में जोड़ देगा, क्या 7 3 से छोटा है, नहीं, तो 7 को राइट लिस्ट में जोड़ देगा। एंड में ये फंक्शन 3 चीज़ें रिटर्न कर देगा, लेफ्ट वाली लिस्ट, पिवट वाला एलिमेंट और राइट वाली लिस्ट। ठीक है, ये है हमारा पार्टीशन फंक्शन। तो चलो इसका सूडो कोड हम लिख लेते हैं पहले फटाफट, इससे पहले कि हम कोड लिखें। तो हमारा जो पार्टीशन फंक्शन होगा डेफ पार्टीशन, वो क्या करेगा, एक लिस्ट लेगा इनपुट में, ठीक है, उसके बाद वो ये कहेगा कि साहब जो पिवट चुन लो पहले, तो सबसे पहले लेंथ निकाल लो लिस्ट की, लेंथ निकाल लेगा वो लिस्ट की लेंथ फंक्शन यूज़ करके, और फिर पिवट चुन लेगा लिस्ट ऑफ लेन माइनस वन। बेसिकली यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि पिवट चुन रहा हूँ आखिरी एलिमेंट लिस्ट का, और फिर जब आपके पास पिवट आ जाएगा फिर आप ये कहोगे कि जो लेफ्ट लिस्ट है उसे शुरुआत में एम्प्टी डिक्लेयर कर दो, और जो राइट लिस्ट है उसे शुरुआत में एम्प्टी डिक्लेयर कर दो। उसके बाद आप फॉर लूप चलाओ, फॉर फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड लास्ट एलिमेंट, क्योंकि पिवट तो हट गया ना, तो लास्ट एलिमेंट पे तो जा नहीं सकते, सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे जाओ, सेकेंड लास्ट एलिमेंट में जाओ, और अगर इफ जो एलिमेंट हो वो पिवट से छोटा हो तो ऐड एलिमेंट टू लेफ्ट, एल्स ऐड टू राइट। अगर एलिमेंट पिवट से छोटा हो, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू हो पिवट से, तो लेफ्ट में ऐड कर दो, और अगर बड़ा हो, स्ट्रिक्टली बड़ा हो, तो राइट में ऐड कर दो, एंड में रिटर्न कर दो, जो है आप लेफ्ट रिटर्न कर दो, पिवट रिटर्न कर दो और राइट रिटर्न कर दो, हो गया। तो ये बेसिकली सिंपल सा फंक्शन है पार्टीशन फंक्शन। अगर आपके पास एक बार पार्टीशन फंक्शन आ जाए, बेसिकली ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट्स में भी देख सकते हो, एक बार आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ जाए तो क्विक सॉर्ट लिखना बहुत ही सिंपल है। तो चलो वो भी उसका सूडो कोड चलो यहीं देख लेते हैं। भाई किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या करना होता है, याद है, बेस केस फिर रिकर्सिव केस। बेस केस क्या है, अगर लिस्ट बहुत छोटी है यानी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर एक एलिमेंट है, तो लिस्ट को ऐसे कि ऐसा रिटर्न कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये आपका बेस केस हो गया। रिकर्सिव केस क्या है, डिवाइड करो, कॉन्कर करो, कंबाइन करो, ठीक है, डिवाइड पार्ट। डिवाइड पार्ट में सबसे ज़्यादा काम होता है, पार्टीशन फंक्शन कॉल करो और लेफ्ट पिवट और राइट मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्कर करो यानी कि आपके पास छोटी लिस्ट आ गई है लेफ्ट और राइट, उन्हें क्विक सॉर्ट ही दोबारा कॉल कर दो, सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्ट सॉर्टेड राइट मिल गया। एक बार सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्टेड राइट मिल गया तो एंड में कंबाइन बहुत सिंपल है, सिर्फ सॉर्टेड लेफ्ट लो, पिवट जोड़ो, सॉर्टेड राइट कर जोड़ो, आंसर रिटर्न कर दो, हो गया, मेक सेंस। तो चलो अब हम इसे पाइथन में फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेते हैं बिना टाइम खराब करे। तो हमारा पार्ट, मैं फॉन्ट बढ़ा दूँ, डेफ पार्टीशन फंक्शन जो होगा वो लेगा एक लिस्ट लेगा, ठीक है, एल मान लो लेता है। तो सबसे पहले आप लेंथ निकालोगे एल की, लेन ऑफ एल, ठीक है, पिवट चुन लो, पिवट बराबर लिस्ट का आखिरी एलिमेंट लेंथ माइनस वन। उसके बाद आप लेफ्ट लिस्ट को इनिशियलाइज कर दो एम्प्टी, राइट लिस्ट को इनिशियलाइज कर दो एम्प्टी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लूप चलाओ फॉर आई इन, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, जो है ले जाना है सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। आप चेक कर सकते हो कि रेंज ऑफ लेंथ माइनस वन आपको देगा सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। लास्ट एलिमेंट तक जाना होता है तो रेंज ऑफ लेंथ करते हैं, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है तो रेंज ऑफ लेंथ एन माइनस वन करा। अब एलिमेंट देख लो, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है इस समय जो लिस्ट है हमारी एल,
उसका ith इंडेक्स, क्योंकि हम i इंडेक्स पर हैं। तो अगर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है किसके, पिवट के, तो उसे ऐड कर दो लेफ्ट में, लेफ्ट प्लस इक्वल टू एलिमेंट, ठीक है, वरना राइट में ऐड कर दो एलिमेंट को भाई, ठीक है। जब ये हो जाए तो रिटर्न कर दो लेफ्ट, रिटर्न कर दो, पूरा लूप जब ख़त्म हो जाए पिवट रिटर्न कर दो, राइट रिटर्न कर दो, मेक सेंस। अच्छा, तो अगर हमने ये फंक्शन लिख लिया तो एक्चुअली आप चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो, प्रिंट पार्टीशन, सपोज मैं एक लिस्ट भेजता हूँ, एक मैंने अपने एग्जांपल में कौन सी ली थी, एग्जांपल नीरा, 1 5 7 3, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मैं जब इस कोड को रन करूँ क्विक सॉर्ट डॉट पी वाई, तो भाई एक आ जाना चाहिए, वो हो गया मेरा लेफ्ट, पिवट है 3 और 5.7 क्या है, 5.7 है मेरा राइट, डज इट मेक सेंस। तो ये हमने फंक्शन या पार्टीशन लिख लिया। अब अगर ये हो गया तो क्विक सॉर्ट लिखना बहुत ही आसान है। क्विक सॉर्ट को एक लिस्ट मिलती है इनपुट में, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखते हो कि बेस केस तो नहीं कहीं हो गया मेरा, और बेस केस कैसे चेक करोगे, बेस केस ऐसे चेक करोगे कि भाई लेंथ जो है लिस्ट की क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर है तो लिस्ट को एज इट इज़ रिटर्न कर दो, वरना तुम्हारा रिकर्सिव केस है, और ठीक है, वरना तुम्हारा रिकर्सिव केस है। अच्छे कोड में हमेशा कमेंट होने चाहिए, यहाँ तो मैं टाइम थोड़ा कम है इसलिए कम लिखता हूँ, पर अगर आप कहीं भी लिख रहे हैं तो अच्छे कमेंट लिखना ज़रूरी है, उससे फ्यूचर में अगर आप अपना कोड पढ़ेंगे या कोई और आपका कलीग या दोस्त आपका कोड पढ़ेगा तो उससे ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। एनीवेज, तो रिकर्सिव केस ये है कि सबसे पहले आप डिवाइड करो, आप कहो कि मेरे को लेफ्ट पिवट और राइट दे दो भाई, पार्टीशन फंक्शन कॉल करके ऑन द लिस्ट, ठीक है, आपको ये मिल गया। अब कॉन्कर कर लो, सॉर्टेड लेफ्ट कर लो, वही फंक्शन फिर से कॉल करके, ये सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्टेड राइट हम अगर आपको याद हो मर्ज सॉर्ट में भी करते थे, कंबाइन पार्ट दोनों में सेम है, सॉरी कॉन्कर पार्ट। और उसके बाद जब आपके पास ये आ गया तो आपको बस ऐड करना है, ऐड करने में बस इतनी ट्रिक है कि जो पिवट आएगा वो एक नंबर है तो उसे लिस्ट बना दे, और उसके बाद 3 लिस्ट हो गई, एक सॉर्टेड लेफ्ट लिस्ट हो गई, एक पिवट लिस्ट हो गई जिसमें एक एलिमेंट है, और उसके बाद सॉर्टेड राइट लिस्ट हो गई। आपका यहाँ पर ये अब सही से हो जाना चाहिए, प्रिंट कर लो, प्रिंट क्विक सॉर्ट ले लो कुछ भी, 3 34 -1 23 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ पाइथन सॉर्टेड राइट, सॉरी सॉर्टेड, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, हो गया पाइथन क्विक सॉर्ट डॉट पी वाई -1 3 12 23 34, समझ जाओ, तो ये ख़त्म हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि क्विक सॉर्ट जो है वो बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम है, और जैसा हमने देखा कि बहुत ही आसान भी है, इंट्यूटिव भी है समझना। तो एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, इवन दो वो बिल्कुल अलग अलग एल्गोरिथम है। ऐसा कैसे भाई, एक सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों रिकर्सिव एल्गोरिथम है, रन टाइम परफॉर्मेंस भी सेम है, और दोनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है कि उन दोनों की डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है। जो मर्ज सॉर्ट है उसमें डिवाइड पार्ट बहुत ही सिंपल है, एक लिस्ट लो, दो इक्वल पार्ट में तोड़ दो, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। लेकिन जब वो उन पर कॉन्कर आप कर लोगे तो फाइनली कंबाइन करते समय बहुत मेहनत करोगे, यहाँ से दोनों को उठाओगे कंपेयर करोगे, छोटा वाला रखोगे बड़ा वाला फेंक दोगे, फिर से उठाओगे कंपेयर करोगे छोटा वाला रखोगे बड़ा वाला फेंक दोगे, ये है मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तब आप ये कंपैरिजन करते हो और चीज़ों को पहले ही सॉर्ट कर लेते हो, एक पिवट चुन लेते हो अलग रख देते हो, मान लो 3 रख लिया, फिर एक एक करके एलिमेंट उठाते हो पिवट से कंपेयर करते हो, ओ पिवट से छोटा है लेफ्ट में डालते जाओ, पिवट से बड़ा है राइट में डालते जाओ, लेफ्ट और राइट आ गए उसके बाद सॉर्ट कर लो।
तो फाइनली जब आंसर आता है तो कंबाइन फेज में कुछ भी नहीं करना पड़ता, इस साइड वाले सब पिवट से छोटे थे पिवट डालो, इस साइड वाले पिवट से पिवट बड़े थे तुरंत ऐड कर दो रिटर्न कर दो, कंबाइन फेज में काम नहीं होता। तो बेसिकली इन शॉर्ट मर्ज सॉर्ट जो है मैं जो डिवाइड पार्ट में कुछ भी नहीं करती, सब कुछ कंबाइन पार्ट में करती है, और क्विक सॉर्ट जो है सबसे ज़्यादा काम डिवाइड पार्ट में करती है और कंबाइन पार्ट में उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक ये कंक्लूड करता है हमारा क्विक सॉर्ट का आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। क्विक सॉर्ट जो है बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम है, इसका रन टाइम n log n होता है। इंसर्शन सॉर्ट n स्क्वायर लेती थी, क्विक सॉर्ट n इंटू log n लेती है। हम प्रूव कर सकते हैं, मैं करूँगा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेटा को दो गुना बढ़ाओगे तो लगभग क्विक सॉर्ट का टाइम दो टाइम्स log 2 मतलब दो पॉइंट कुछ फैक्टर से बढ़ेगा, जबकि इंसर्शन सॉर्ट चार गुना से बढ़ जाती। ठीक है, तो अब हमने तीनों ही कवर कर लिए हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। अगले लेक्चर में जो कि जल्दी ही रिकॉर्ड होगा और उसके लेक्चर नोट्स पोस्ट हो गए हैं, उसमें हम बात करेंगे कि हम बहुत सारा बड़ा डेटा जनरेट करेंगे और देखेंगे कि उसे उस बड़े डेटा सेट पर रन करने पर कैसे इंसर्शन सॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कंपेयर टू क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।